हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग कक्षा दसवीं एनसीईआरटी गणित का उदाहरण नंबर 19 देखने वाले हैं। चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम फाइनली एनुअल एग्जाम में वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारीकी से समझेंगे, एक एक स्टेप को समझेंगे, इन तक बने रहिएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको कहीं भी परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पहले समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल यानी जिस तरफ धार बह रही है उसी तरफ उसके अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। सिंपल सा बात है, पहला लाइन ये कह रहा है कि एक नाव है जिस तरफ धार बह रही है उस तरफ अगर वो 10 घंटा चलती है तो धार की तरफ 44 किलोमीटर दूरी तय करती है और उसके विपरीत, ठीक है ना, जो प्रतिकूल है मात्र 30 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में मात्र 30 किलोमीटर जाती है। दोनों स्थिति में टाइमिंग आपका 10 घंटे, ये कंडीशन वन था। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन का कंडीशन। फिर कहता है कि 13 घंटे में, ऊपर था 10 घंटा, अब कह रहा 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में उल्टे दिशा में 40 किलोमीटर एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। जिस तरफ धार बहता उस तरफ तो धार का सपोर्ट मिल जाता है तो ज्यादा दूरी तय करता है, जैसा कि यहां भी है कि धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर है जबकि प्रतिकूल मात्र 40 किलोमीटर है। ठीक है, यहां तक दोनों कंडीशन है। अब कह रहा है धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि धारा की चाल बताइए कि धार कितना तेजी से बह रही है, धारा की स्पीड बताइए, और यह भी बताना कि अगर स्थिर जल हो, जब जल में धारा नहीं हो, करंट नहीं हो, तो आपको यह बताना है कि नाव कितनी स्पीड से चलती है, दोनों की चाल बताना है। तो देखिए बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, बारीकी से एक को एक्स मानेंगे और दूसरे को वाई मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि स्थिर जल में, जब पानी बिल्कुल स्थिर हो, स्थिर जल लिखे या फिर पानी लिखे, स्थिर जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक घंटा में वह कितना दूरी तय करती है, x किलोमीटर उसकी स्पीड है, सॉरी नाव की चाल की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्थिर जल में लिखेंगे एवं धारा की चाल, एवं धारा की चाल, जो धारा है उसको हम लोगों ने माना y किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक कोई डाउट बच्चों? बिल्कुल नहीं। दो चीजें निकालना थे, एक तो धारा की चाल और दूसरा स्थिर जल में नाव की चाल। तो स्थिर जल में नाव की चाल x माने और धारा की चाल y माने। अब यही x और y का मान आपको निकालना है, लेकिन इसके लिए पहले आप क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। इसके लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल, यानी जिस तरह धार बह रहा उस तरफ चाल क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, पहले नंबर तो स्थिर दर में नाव की चाल कितना है, x, और जब धारा की दिशा में नाव चलेगा तो धारा का सपोर्ट करेगा, नाव तो अपनी स्पीड से चल रहा है लेकिन धार उसको और सपोर्ट कर देगा, तो दोनों प्लस हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, धारा की दिशा में स्पीड बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा तो प्लस करना, क्या करना बच्चों, प्लस। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा के अनुकूल चाल हुआ। अब लिखेंगे धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में प्रतिकूल चाल,
तो प्रतिकूल चाल में क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे, एक्स माइनस वाई, यानी धारा की चाल जो है और नाव की चाल जो है वो दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, और अनुकूल में दोनों प्लस हो जाता है। यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं। अब चलिए प्रथम स्थिति में कंडीशन नंबर वन पढ़ते, क्या बोला है कि 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाती है। तो लिखेंगे 10 घंटे में नाव धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। ये देखिए इससे इक्वेशन बनाएंगे कि 10 घंटा में ना 10 में लिख दिए, एक मिनट हो जाएगा, 10 घंटे में नाव, 10 घंटे में नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, अब मे भी आप सभी को याद भी होगा, ये लिख लीजिएगा, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ये फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका हेल्प से, इसकी हेल्प से हम अब आगे का जो प्रोसेस है काम करेंगे इसी हेल्प पे। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ध्यान से देखिएगा कि समय कितना है 10 घंटा, ठीक है 10 घंटा है, तो देखिए दूरी कितना है 30 किलोमीटर, लेकिन किसमें प्रतिकूल, ये बहुत मैटर करता है, प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल कितना दूरी है 30 किलोमीटर, और प्रतिकूल की चाल कितना है एक्स माइनस वाई, अनुकूल का कितना है 44, धारा के अनुकूल 44 लेकिन अनुकूल चाल कितना है एक्स प्लस वाई। यहां पर लिखेंगे पहले अनुकूल कर देते हैं, 44 बटा में हो जाएगा दूरी, देखिए 44 किलोमीटर दूरी हो गया, अब बटा में चाल लिखना है, तो 44 किलोमीटर अनुकूल है ना, तो धारा के अनुकूल चाल क्या है x प्लस वाई, तो यहां पर रख देंगे x प्लस वाई, कोई डाउट बिल्कुल नहीं। अब प्लस, क्योंकि 10 घंटा में 30 किलोमीटर प्रतिकूल और 44 किलोमीटर अनुकूल है, दोनों 10 घंटा की बात है, तो ये रहेगा, अब प्लस तो जोड़ देंगे टाइम को, अब की बार दूरी कितना है 30 किलोमीटर, अब की बार दूरी है 30 किलोमीटर लेकिन प्रतिकूल, तो प्रतिकूल चाल क्या है एक्स माइनस वाई, यही काम किया है, ये है दूरी, ये है चाल, ये है अनुकूल चाल, फिर ये दूरी है और प्रतिकूल चाल है, और दोनों प्लस करके कितना समय लगता है 10 घंटा, तो समय कर दिए, उधर लिखिए या फिर इधर लिखिए टाइम कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, तो ये आपका बन रहा है, ठीक है ना, इसको मान लीजिए समीकरण एक, इसको मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब लिखेंगे दूसरा कंडीशन में, देखिए यहां पे आ जाइए कि 13 घंटा में, तो लिखेंगे यहां पे एक मिनट, 13 घंटे में नाव धारा के प्रतिकूल, आराम से समझिएगा बच्चे, कहीं दिक्कत नहीं आ रहा, धारा के प्रतिकूल कहां पर है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55, कितना की बार है 55 किलोमीटर जाती है। ये सेकेंड कंडीशन में, ये प्रथम स्थिति था, ये द्वितीय स्थिति है, दूसरी स्थिति में यहां तक, यहां यहां से 13 घंटा वाला, ऊपर था 10 घंटा वाला, नीचे 13 घंटा वाला, सेम वही काम करना है, दूरी बराबर, समय बराबर दूरी बटे चाल, इसमें
अनुकूल पहले लिखते हैं या प्रतिकूल भी लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। प्लस है ना, पहले ये लिखो या ये लिखो, रटना बिल्कुल नहीं मैथ में स्टूडेंट। तो 55 है अनुकूल में। चलिए क्या करते हैं, इस ये कलर से लिख दीजिए, ये 55 बटा में अनुकूल चाल क्या है, x प्लस वाई प्लस प्रतिकूल की दूरी कितना है 40, और बटा में क्या है x माइनस वाई, और दोनों मिलाकर के 13 घंटा। ये बन गया समीकरण दो, ये समीकरण एक और ये समीकरण दो, कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं। अब इस दोनों समीकरण को सोल्व करके, दोनों समीकरण को सोल्व करके अब आपको निकालना है x का मान और y का मान, जिससे आपका जो क्वेश्चन में पूछ रहा है स्थिर जल में नाव की चाल, वो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं, बनाते हैं आराम से, धरफराने की कोई बात नहीं। चलिए थोड़ी सी इंक कम गई थी, चलिए हो गया है, अब समझ। अब समीकरण एक और दो को सोल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल दीजिए। इसके लिए अब करना पड़ेगा, लिखेंगे अब 1 बटा x प्लस वाई बराबर यू, और 1 बटा x माइनस वाई बराबर भी, ये आपका भी है, रखने पर समीकरण एक और दो में 1 बटा x प्लस वाई बराबर यू, तो यहां पे 44 बटा x प्लस वाई, ये ध्यान से समझिएगा, समीकरण एक में लिख भी देते हैं, समीकरण एक और दो में, समीकरण एक और दो में रख रहे हैं। तो एक चीज समझ लीजिए, पहले यहां पे हम इधर कर रहे हैं, समीकरण एक कितना 44 बटा में x प्लस वाई। अब इसको समझिए, इसको आप लिख सकते हैं 44 गुने 1 बटा x प्लस वाई, लिख सकते हैं कि नहीं, तो गुना करेंगे 44 को 1 से तो 44, और बट्टे में हो जाएगा x प्लस वाई। लेकिन देखिए कि इसको हमने क्या माना है, u माने हैं, 1 बटा x प्लस वाई बराबर u माने हैं। इसका मतलब यहां पे हमको अब u लिख देना है, तो 44 को u से गुना करेंगे तो क्या होगा, 44u हो जाएगा। तो यही हम वहां पे अब लिखने वाले हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अब कैसे हो, तो यहां पे हो जाएगा 44u प्लस 30। अब देखिए 1 बटा x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं, भी, यहां पर x माइनस वाई है, यहां पर हो जाएगा भी बराबर 10 का 10। और इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड, समीकरण तीन ले लीजिए, उस तरीके से यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 55u प्लस 40v बराबर 13। इसको मान लीजिए समीकरण चार, कोई डाउट? ये देखिए रैखिक समीकरण बन गया, आराम से रैखिक समीकरण बन गया। अब इसको क्या करेंगे कि भाई u और v का वैल्यू निकालना है, तभी तो x y का निकलेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, भी को उड़ाते हैं, इसको कर देते हैं 40 से और इसको करते हैं गुना 30 से, विलोपन विधि आता है। समीकरण एक में भी का गुणांक 30 है, उसको 2 से गुना करेंगे, समीकरण सॉरी तीन वाले जो समीकरण है उसमें भी का गुणांक 30 है, उसको 4 में करेंगे, और 4 में जो भी का गुणांक उसको 3 में करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे अर्थात, या आप चाहे तो लिख सकते हैं, या आप चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण एक में 40 से तथा समीकरण दो में 30 से गुना करने पर, लेकिन हमने सिर्फ करके दिए, यहां पे लिख रहे हैं 40 से इसको करेंगे तो यहां पर तो पहले u आएगा और यहां पे 0 आ जाएगा, 4 चौके 16 के 6 कैरी 1, 4 चौका 16 17, 1760 u प्लस 4 3 12 भी बराबर 10 से 40 को करेंगे तो 400, क्लियर है। अब इसको 30 से कर दीजिए, तो पहले तो यहां पे 0 आ जाएगा, 5 3 15 के 5 हाथ में 1 और 5 3 15 16, 1650 यू प्लस, इसको इससे करेंगे तो 4 3 12 भी बराबर 13 3 39 390,
कोई डाउट? चलिए अब यहां पे लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर सबका साइन बदल देंगे, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। अब देखिए यहां से ये और ये कैंसिल हो गया, 1200 भी और प्लस माइनस 1200 भी प्लस माइनस कैंसिल। अभी देखिए घटाइए 1760 में से 1650, यहां पे यू आएगा, यहां पे जीरो, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1 और यहां पर कट गया, ठीक है ना। आ गया कितना 110 यू आ गया, और यहां पे आ गया 0, 10 में से 9 गया 1 और ये कट गया, ओनली 10 आ गया, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा यहां पे कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना, जगह 44 पहला, एक मिनट आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। 30 किलोमीटर था ना, हाँ 30 है, यहाँ पे 30, 30 बिल्कुल सही है, यहाँ पे 55 और 40 बिल्कुल सही है, यहाँ पे हो जाएगा, चलिए 11 आ जा रहा है, कितना आ रहा है एक मिनट देख लेते हैं, 11 बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए इसको क्या करेंगे, अब U बराबर नीचे स्पेस है क्या, चलिए यहां पर लिखेंगे, ये देख कर जाएगा, U बराबर हो जाएगा 10 और बटे में 110, ये कट गया, इसीलिए U बराबर आ गया 1/11, U बराबर 1/11। अब यहां पे थोड़ा सा टाइम देकर समझिएगा, अब यहां पे लिखेंगे U का वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, 3 में रखने पर, क्यों, क्योंकि हमने U का मान निकाल दिया है, अब V का निकालना है, तो U का मान रखेंगे। समीकरण 3 देखिए, 44 गुने U है, तो 44 गुने U कितना निकाले, 1/11, है ना, 44 गुने U है, U का मान हमने 1/11 निकाल दिए, प्लस 30 भी बराबर है 10, तो भाई ये तो कट जाएगा ना, 11 × 44, तो यहां पे हो जाएगा 30 भी बराबर 10 और प्लस 4 है इधर आएगा तो -4, इसीलिए भी बराबर 6 और बटा में 30, तो 6 × 5 = 30, इसीलिए भी बराबर हो गया 1/5, यू बराबर 1/11 और भी बराबर 1/5। अब देखिए ध्यान से, ये U और V का वैल्यू आपको डालना है यहां पे, 1/x + बराबर U और 1/x - y बराबर V, यहां पे रखना, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं, पूरा देखिएगा आराम से समझ में आएगा। चलिए अब इधर बनाता हूं ताकि आप डिस्टर्ब ना हो कि कहां कहां सा कौन सा करना, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना कि पहले क्या करना है, इसके बाद ये निकाले। अब देखिए लिखेंगे यू और भी का वैल्यू लिखे या मान लिखे, वैल्यू रखने पर, तो देखिए 1/x + y बराबर माने थे U, तो 1/x + y बराबर U और U का मान निकाले हैं 1/11, ठीक है। अब देखिए इधर में 1/x - y बराबर क्या माने हैं, भी, और भी बराबर क्या निकल है, 1/5 बराबर हो गया 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 1 को x + y से करेंगे तो x + y अर्थात लिख दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, और 1 को 11 से करेंगे तो 11। अब ये समीकरण 4 तक बन गया, तो इसके बाद बन जाएगा समीकरण ये 5, और यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 1 से करेंगे तो x - y और इसको करेंगे तो 5, ये हो गया समीकरण 6। अब तो बहुत ही हो गया, समीकरण 5 और 6 को सॉल्व कर दो, सवाल बन जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 और 6 को जोड़ दीजिए, तो 5 कितना है x + y बराबर 11 और 6 कितना है x - y बराबर 5। देखिए ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गया, यहां से देखिएगा
अब देखिए x और x हो गया 2x और 11 5 हो गया 16, दो से काट दीजिए 8 दूनी 16, ठीक है ना, आराम से कंफ्यूज मत होना। तो यहां पे हो जाएगा x बराबर 8, निकल गया x का मान कितना निकल गया स्टूडेंट 8। अब लिखेंगे इसको थोड़ा सा मिटा लीजिए, x का वैल्यू समीकरण 5 में रखने पर, x का वैल्यू समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, इधर भी देख लीजिए हम यही लिखे है, नहीं दिख रहा है ना, तो लिखेंगे x का वैल्यू समीकरण 5 में रखने पर। समीकरण 5 क्या है, x प्लस वाई बराबर 11, x का मान हमने 8 निकाला है, तो 8 प्लस वाई बराबर 11 होगा, तो या y बराबर 11 माइनस 8, इसीलिए y बराबर 3। फाइनली आंसर आ गया x बराबर 8 और y बराबर 3। थोड़ा सा बोर्ड पे स्पेस के कारण थोड़ी सी मैं इधर उधर करके लिखा हूं, जो थोड़ा सा मुझे भी कचरा लग रहा है, लेकिन पूरे यकीन से कहता हूं कि अगर आप पूरा देखें आराम से तो दिक्कतें नहीं आएगी। तो बस लिख दीजिए, हमने क्या माने थे, स्थिर जल में नाव की चाल x माने थे, x बराबर 8 हो गया, तो अतः लिखेंगे, चलिए फाइनली इसी मार्कर से लिख देता हूं, लास्ट में आंसर लिखना है, अतः स्थिर जल में नाव की चाल बराबर x माने थे, x निकल गया 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, एवं धारा की चाल, धारा की चाल क्या माने थे y, और y बराबर कितना निकल गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सॉरी उदाहरण नंबर 19 जो है कंप्लीट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप आराम से एक दो बार रिवीजन करके देख लीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो आप सभी के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मैथ सिस्टम के साथ, बाय।